जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज चैम्बर पे। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बाइक वॉश को लेके है और हम आप अपनी बाइक, ये है हमारी बाइक मीटियोर 350 सुपरनोवा मॉडल है ये, और इसे हम आज लेके जाएंगे वॉशिंग के लिए। आप जगह जगह ये देख सकते हैं कि बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है, काफ़ी टाइम से एक्चुअली धुली नहीं है और एक दो बार बारिश में भी चल गई है, तो ये इतनी गंदी हो रखी है, बहुत धूल जमी हुई थी। चलिए चलते हैं। तो ये हमारे घर के बाहर का व्यू है, घर से वॉशिंग की तरफ जाने के लिए रास्ता बहुत अच्छा है। आसपास खेत वेत और बीच में बहुत सारे पेड़, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है दोस्तों इस गाड़ी की। आप ये लगभग अभी 60-70 की स्पीड पे और आप आराम से हाथ छोड़ के चला सकते हैं, इधर उधर नहीं होती ज़रा सी भी। तो वॉशिंग से पहले हम ले आए इसको, थोड़ा हवा डलवाने हैं बाइक में। और ये भैया भी पूछ भी रहे थे कि कितने की आई बाइक, तो मैं भैया कोई वही बता रहा था, ये 260 की है। ये शुरू कर दिया है इन लोगों ने बाइक वॉशिंग के लिए, पंप शुरू किया है तो ये धीरे धीरे प्रेशर बना रहा है। अभी दोस्तों ये वही जगह है जहाँ मैं अपनी गाड़ी भी धुलवाने लाया था। तो और ये पीछे जैक के ऊपर उठा के अच्छे से कार वॉश या बाइक वॉश करते हैं। ये जगह एक्चुअली इतनी बड़ी है कि यहाँ पे ट्रक्स वगैरह या बसेस भी आती हैं धुलने। और ये जो भी भैया हैं, जितने भी 3-4 लोग हैं, ये बहुत अच्छे से आपकी बाइक वॉश करेंगे। बाइक या कार आप एक बार ला के अपनी गाड़ी यहाँ पे वॉश ज़रूर करवाइए। ये हरियाणा में जगह है गन्नौर, अगर आप आसपास रहते हैं तो। गन्नौर में आपको लेफ़्ट साइड में आना है, दिल्ली से गन्नौर की तरफ आते वक्त तो लेफ़्ट साइड में कुछ आधा किलोमीटर अंदर है ये जगह। और आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं आप कि लोग कितने अच्छे से बाइक साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे लाने का एक और रीज़न ये है कि ये लोग बस 50 रुपये में बाइक वॉश करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। और ये एक्चुअली तो ये फॉर्म वॉश करते हैं, लेकिन अभी इनकी मशीन ख़राब हो रखी है तो इसलिए आज ये फॉर्म वॉश नहीं कर रहे हैं। ये भैया ने थोड़ा गंदा पानी डाला है ला के इसके सोप वाला, पीछे मैंने देख लिया था बना रहे थे। हाँ तो रीज़न ये था दोस्तों कि क्या है कि ये बस 50 रुपीज़ लेते हैं, और कहीं अगर आप बाहर और कुछ लोग हैं वो 50, 60, 70 या 100 रुपये तक या 150 रुपये तक भी लेते हैं, और इवन फॉर्म वॉश का तो 200-250 रुपये लेते हैं। लेकिन ये फॉर्म वॉश भी आपकी 50 रुपये में ही करके देते हैं, और इतने अच्छे से बाइक देंगे कि आपकी बाइक नई करके दे देंगे बिल्कुल। आप अपनी पुरानी से पुरानी बाइक ले आइए, जितनी भी धूल जमी हो ये बिल्कुल चमका देते हैं। और ऐसा नहीं है मैंने इनको बोला कि मेरे जो वीडियो बनानी है या ऐसा कुछ करना है इसलिए आप अच्छे से धोना, ये सच में बहुत अच्छे से बाइक धोते हैं ये देखिए। और पूरी वीडियो में मतलब बिल्कुल जगह जगह हर जगह पानी मारा है बंदे ने, और साबुन भी हर जगह लगाया अच्छे से ताकि बाइक चमक जाए पूरी वीडियो में। जब जब मैं वीडियो शूट कर रहा था भैया कुछ चीज़ें भी पूछ रहे थे, जैसे कितने की आई या कहाँ से ली, क्या स्टेबिलिटी क्या है, माइलेज क्या देती है, ये सारे क्वेश्चन थे। कि कोई भी मतलब नॉर्मल मैं भी अगर कोई दूसरी बाइक देखूँगा तो मैं भी उस राइडर से ये बात पूछूँगा, तो ये सारी चीज़ें भैया पूछ रहे थे। ये देखिए नीचे सम काट के नीचे मार रहे हैं अभी, इनको पता है यहाँ पे मिट्टी भी तीन ताज़ा जमी होती है तो वहाँ पे भी मारते हैं हर जगह। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कहीं बंदे ने कहीं कसर छोड़ दी है, वो दूसरा बंदा आप पीछे सोप से शुरू करेगा, सोप लगाना शुरू करेगा। अभी देखिए अभी तक वीडियो शुरू हो गई है लेकिन और काफ़ी टाइम हो गया है, अभी बंदा पानी से धो रहा है और ये इनका सारा सेटअप है पीछे मशीन का। ये पानी से ही आपके अगर आप बस पानी मरवा लेंगे इनके पास आके तो भाई उनकी बाइक नहीं हो जाएगी, साबुन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। ये देखिए ये पीछे बंदा अभी वो मैट धो रहा है वो, फिर ये बाइक पे ही लगेगा। सस्पेंशन वगैरह को भी देखिए, सस्पेंशन में जो भी ये लाइन्स होती हैं इनको भी अच्छे से धो रहे हैं। ये भाई ने शुरू कर दिया आप सोप लगाना, और ये जो सोप यूज़ करते हैं वो भी कुछ लिक्विड टाइप होता है और काफ़ी क्वांटिटी में मंगाते हैं लोग, लेकिन ये भी कि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब शाइन देता है कुछ, ऐसा नहीं कि आपके पेंट को नुकसान करे या वो सब। ये भैया यहाँ पे पूछ रहे हैं मुझसे कि ये कैमरा है या फिर लाइट है, तो मैंने बताया भैया को कि ये भैया कि ये फॉग लाइट है, लाइट नाइट में बहुत काम आती है, राइडिंग के लिए बहुत काम आती है। लगा
ये हर जगह आप मतलब आपको एक ऐसा कोना नहीं मिलेगा पूरी बाइक या गाड़ी धुलवाते हुए कहीं इन लोगों ने साबुन छोड़ दिया हो या कुछ भी। मतलब बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी 2-3 गाड़ियाँ धुलवा रखी हैं और अपनी दो इसके अलावा मेरे पास एक डिस्कवर बाइक है, ये उसको भी बहुत अच्छे से धोते हैं। और एक ख़ास बात इन लोगों की यहाँ पे ये है कि जो बाहर ड्राई वॉश होती है, गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, कार की, अगर क्योंकि जिसमें कार में डोर वगैरह और रूफ वगैरह होता है वो ड्राई वॉश होता है, तो उसके लिए कुछ 2500-2500 रुपये चार्ज करते हैं बाहर लोग, और ये लोग बस उसको 500 रुपये में ही करके देंगे। और 500 रुपये में भी ऐसा काम करके देंगे तसल्ली वाला कि मज़ा आ जाएगा आपको, जैसा कहते हैं आप हंसी खुशी से आप बंदे को 600 रुपये भी दे दोगे, बंदा इस हिसाब के काम करते हैं। ये देखिए जगह जगह साबुन लगा रहे हैं, कोई भी वो पीछे जितने भी ये कोने छूट जाते हैं एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे भी बंदे ने उंगली में उंगली डाल डाल के यहाँ पे हर जगह साबुन लगाया है। ये नीचे इंजन के आसपास इन लोगों को ये भी पता है कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा मारना है, पाइप से कहाँ कम मारना है, सारी चीज़ें। मतलब काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस बंदे हैं वॉशिंग के उसमें। ये देखिए अच्छे से इस पूरी बाइक जगह जगह, मतलब आप इनका काम देख सकते हैं पूरी वीडियो में, बहुत अच्छे से बाइक धोई है बंदों ने। नीचे सम गार्ड पे लगाएंगे अपने आए, ये देखो ये देखिए जो हैंडल के पीछे की जगह होती है कई बार लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे भी अच्छे से साबुन लगाकर साफ किया है। ये देखिए सम गार्ड धो रहे हैं, ये देखिए इतना झुक के आप किसी भी बंदे को देख लीजिए, बहुत कम वो लोग होते हैं जो ऐसे इतना झुक के और नीचे नीचे तक बाइक को साफ करते हैं या गाड़ी को। ये यहाँ फ्रंट मड गार्ड, अब इसके बाद देखिए इसके बाद आपको एक और ख़ास चीज़ पता चलेगी इनकी, जब ये टायर वॉश करेंगे तो मतलब टायर पे सोप लगाएंगे तो। जहाँ जहाँ छूट जा रहा है वहाँ पे भी बंदा दोबारा लगा रहा है। ये देखिए अब इन्होंने टायर फ्रंट टायर शुरू किया है, इस पर पहले तो ये कपड़ा लगा रहे हैं, ऐसे कपड़े से वॉश कर रहे हैं अच्छे से, ये सोप पूरा लगाया है। ये देखिए हर एक अलॉय पे, अलॉय की जो भी ये है लाइन्स हैं इस पर सब पे लगा रहे हैं। ये देखिए ये हो गई, अब ये तो हो गई कपड़े से वॉश, कपड़े से लग गया सोप, ये दूसरी तरफ। अब दोस्तों डिस्क वगैरह पे अगर आप कोई भी सोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मत करवाइएगा, इससे थोड़ा डिस्क में प्रॉब्लम आती है। ये देखिए अब पहले तो बंदे ने उसे किया कपड़े से, अब दूसरी बार ये इनके हाथ में ये ब्रश है जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, तो कपड़े धोने वाले ब्रश से अब साफ़ कर रहे हैं टायर, और टायर सच में चमक गया है आज। अब जब मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इसमें कुछ लगभग हो गए हैं 10 दिन और टायर अभी भी चमक रहा है, मतलब चली है गाड़ी, बाइक चल गई है उसके बाद भी कुछ 200 किलोमीटर, और उसके बाद भी बाइक का टायर साइड से ऐसे ही चमक रहा है। ये देखिए अब ये पीछे की तरफ ये चेन कवर वगैरह आप देखें तो चेन कवर वगैरह सब ढका पड़ा है, लेकिन वहाँ पे भी अच्छे से उंगली उंगली डाल वाल के हर जगह बंदे ने अच्छे से साफ किया। ये देखिए इतने अच्छे से, मतलब मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, क्योंकि पहले जब हम दिल्ली में रहते थे तो वहाँ पे भी मैंने कई बार गाड़ी वॉश कराई है, बाइक वॉश कराई है, लेकिन इतने अच्छे से किसी को करते हुए नहीं देखा। बस काम चलाओ से काम कर देते हैं, काम करते हैं ठीक है। हाँ बाइक का ही पानी मारा, साबुन मारा, हो गया, पॉलिश मार दी ऊपर से वो नकली थी। ये लोग पॉलिश नहीं करते, पॉलिश मैंने आज तक वो नहीं देखा कि ये लोग पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपकी पानी से ही इतनी मस्त चमका देंगे कि भाई साहब पानी की पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं इनके पास, और बढ़िया बात ये है कि ये लोग बहुत कम चार्ज करते हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कहीं ज़्यादा पैसे दे दिए या भाई ने ज़्यादा पैसे ले लिए। ये देखिए फिर से यहाँ पे इन्होंने ब्रश से सफाई करनी शुरू कर दी, ये ब्रश से मार रहा बंदा टायर्स पे साइड में, और टायर मस्त चमके से ऐसे। ये देखिए हर जगह पीछे दूसरी तरफ मार रहे हैं, टैंक वगैरह पे दोबारा कर रहे हैं, अब आगे विंडशील्ड पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ उंगली नहीं पहुँच पाती, लेकिन क्या है कि मैंने थोड़ी विंडशील्ड को इस तरीके से उठा रखा है और थोड़ा सा ऊपर एलन की से एडजस्ट करके कि वहाँ पे आप दूसरी तरफ से हाथ वगैरह डाल सकते हैं, तो बंदे ने वहाँ से भी
सफाई सफाई की है, शीशे वगैरह अच्छे से चमका रहे हैं अभी। ये देखिए अब ये बंदे ने दोबारा प्रेशर चालू कर लिया पानी का, अब ये धोना शुरू कर देंगे। अभी ऑलमोस्ट सारे पे साबुन लग चुका है। ये देखिए उस बंदे ने बोला कि नंबर प्लेट पे एक बार और मार दे। अब ये देखिए ये शुरू हुआ दोबारा से पानी, और पानी से भी दोबारा ये ऐसे मस्त चमका देंगे दोबारा पानी से। ये देखिए बंदा पानी से ही सारा साबुन धोनेगा, हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ देखिए मैं इसलिए इनको अलग से इनकी तारीफ़ करता हूँ इनकी, कि वहाँ पे हल्का सा छूट गया कहीं पे तो बंदे ने दोबारा साबुन लगाया और दोबारा वहाँ पे साफ़ किया व्हील के पास। ये देखिए प्रेशर वगैरह आप देख सकते हैं। और ये मेरी बाइक का कपड़ा है जो अभी ये धो रहे हैं बंदे ने, मतलब मैंने बाइक का कपड़ा निकाला था तो इन्होंने की मांग इन्होंने मेरे से मांग लिया कि लाओ हम धो देंगे ये कपड़ा भी। अब बंदे ने साबुन वाले उसमें बाल्टी में डाल दिया, तब तक इसका गंद वंद भी छूट गया कपड़े का, और अभी अच्छे से धो रहे हैं। आप खुद देखिए इस वीडियो में बंदे ने कपड़े को ही कितनी देर तक धोया है। आप कहीं बाहर बाइक वॉश कराने जाइए आपको 10 मिनट में बाइक दे देंगे, और 5 से 10 मिनट वो भी जब जब आपका पहला नंबर होगा तभी करके 5 से 10 मिनट देंगे। बंदों ने इन्होंने 20-25 मिनट आराम से लेते हैं। अगर आप गाड़ी धुलवाने जा रहे हैं तो एक घंटा तो ये कहीं नहीं गया आपका, एक घंटे में धोते हैं गाड़ी, इतनी तसल्ली से धोते हैं, इतने बढ़िया आराम से धोते हैं गाड़ी। ये देखिए बंदे को ये देखिए ये चीज़ होती है कि कौन कैसे धो रहा है, कहाँ पे कहाँ ज़्यादा पानी मारना है, कहाँ कम पानी मारना है, ये सब बंदा देखो मेजर करके ही इनको पता है कहाँ पे कितना डालना है पानी, उस हिसाब से ही पानी डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं इसमें। देखिए लास्ट में बस ये है कि जो ये नीचे का जो डबल स्टैंड पे जो बाइक खड़ी है ये थोड़ा सा छूट गया था, इसके हल्की सी मिट्टी लगी हुई थी। और वो भी सूखने के बाद दिखी थी, वैसे नहीं दिखी थी, शायद इनसे भी तभी मिस हो गई हो। ये देखिए ये धो दिया बंदे ने, सस्पेंशन वगैरह हर जगह डाला है पानी और अच्छे से। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों कि आपको जैसे जो इनकी इलेक्ट्रिक यूनिट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना होता, और इन्होंने भी ऐसे किया वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी यूज़ ना करके तो इनके बटन्स वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर काम करना बंद हो कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे। ये देखिए ये फॉग लाइट, ये HJC की फॉग लाइट है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इसका स्विच थोड़ा सा ख़राब हो गया है पता नहीं क्यों, तो वाइट लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है ऑन होने में, बाकी तो मस्त काम कर रही है। ये देखिए इंजन वगैरह सब ऐसे चमकती है बाइक कि उसके बाद अगर आप हल्की सी जैसे धूल बैठना शुरू होती है ना, धूल को आप फूंक मार के हटा सकते हैं, इतनी चमक जाती है, मतलब बंदा पानी से सेरेमिक कोटिंग कर देता है। ये देखिए स्प्लेंडर वगैरह सब मस्त एकदम ऐसे चमका दिया, नया कर देता है भाई, मज़ा आ जाता है बिल्कुल इनके पास बाइक धुलवा के। और हमेशा एक चीज़ होती है कि कहीं पे आप जा रहे हैं बाइक धुलवाने हैं कुछ किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, मतलब मेन ही कि बस गाड़ी से रिलेटेड, तो आपको जो सामने वाला बंदा मिलता है वो अगर एनर्जेटिक होता है, ये बंद कर दिया बंदे ने, हो गई बाइक धुल गई अब तो अब ये कपड़े वपड़े से धोएंगे, मैं ये कहता एनर्जेटिक होता है बंदा तो मज़ा आ जाता है उस एनर्जी देख के बंदे की। ये लोग भी ये काम करते हैं। अब देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, पहले तो इसे इन्होंने कपड़े से साफ करने से पहले इनके पास एक वो है इसका एयर प्रेशर है, तो एयर प्रेशर से हर जगह का पानी सुखा देते हैं। ये देखिए मडगार्ड में शक्ल तक दिख रही है बाइक का हेडलाइट दिख रहा है, इन्होंने पहले ही इसमें बाइक पे वो प्रेशर से हर जगह जहाँ इलेक्ट्रिक यूनिट वगैरह होती है वहाँ प्रेशर एयर प्रेशर से सब जगह पानी सुखा दिया है, उसके बाद जाके ये कपड़ा मारते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बाइक में वॉशिंग के बाद ल्यूबिंग करनी होती है तो आप इनका एयर प्रेशर लेके चेन पे थोड़ा मारेंगे तो जो गंदा वंदा होता है थोड़ा गंदा होता है वो निकल जाता है एयर प्रेशर से। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने उनको भैया को खुद ही बताया ऐसे कर सकते हैं, तो खुद ही मैंने किया, तो इसलिए मैं उस चीज़ की वीडियो नहीं शूट कर पाया। बट ये है कि ये देखिए इन्होंने पहले ही इसको बस ये अब ये नाम का पोछ रहे हैं उससे पहले ही, लेकिन इन्होंने सब जगह इसको एयर प्रेशर से साफ़ कर दिया, एयर प्रेशर से ही सुखा दिया है। मतलब इनके इन लोगों के पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, फॉर्म वॉश है, जैक है कार के लिए, अच्छे वाले प्रेशर पाइप्स हैं, प्रेशर अच्छा है जिनका, और एयर प्रेशर पाइप्स हैं, मतलब मोस्टली तो जैसे गाड़ी का इंटीरियर साफ़ करने के लिए होता है, लेकिन ये लोग बाइक वाइक सुखाने के लिए भी या उसको
वहाँ से यहाँ जगह जगह जहाँ हाथ नहीं पहुँचेगा, जहाँ कोई कपड़ा नहीं पहुँचेगा, वहाँ पे एयर प्रेशर यूज़ करते हैं ताकि वहाँ से पानी निकल जाए, वहाँ पानी ना रुके। ये देखिए बंदा कितने प्यार से हाथ मार रहा है, जैसे बंदे की खुद की बाइक है। मतलब ये आप चमका दिया बाइक को, मस्त कर दिया एकदम जगह जगह से। ये देखिए आप शाइनिंग देख सकते हैं बाइक की। तो हम भैया को पैसे देके और हम निकलते हैं। ये देखिए बाइक को मैं घर जाते हुए एक बार रास्ते में रोक के मैंने इसका थोड़ा सिनेमैटिक व्यू लेने की कोशिश की। मतलब आती तो नहीं है मेरे को इतनी अच्छी वीडियो शूट करना, जो भी मेरे से हो सका। ये देखिए शाइन मार रही है बिल्कुल मस्त एकदम सब कुछ। ये वही हमारा रास्ता वापस जाते वक्त देख सकते हैं, टंकी एकदम चमक रही है, धूप पड़ रही है इस पर। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री राम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।